कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पांच सवाल और है हम लोग के पास, इसको देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये क्या होता है, जिसका प्रोजेक्शन लेना होता है वो वेक्टर होता है, डॉट जिसके अलोंग लेना होता है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। अगर आपसे बोलता प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ए कैप होता और वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करते, तो जिसका प्रोजेक्शन लेना होता है वो वेक्टर, डॉट जिसके अलोंग लेना होता है उसके साथ, उसके अलोंग क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर, डॉट जिसके अलोंग लेना है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्या हो गया, 2i प्लस 3j माइनस के, डॉट बी कैप क्या होता है, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको किसे डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 3 बाई 9 4 13 और 1 14 रूट 14, तो 6 2 8 8 माइनस 3 5 बाय रूट 14 आंसर। अगर इसी में आप बोलते प्रोजेक्शन वेक्टर, या इसी को बोलते कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर या प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, तो ये होता प्रोजेक्शन होता या कंपोनेंट होता ए डॉट बी कैप, या इसको बी का डायरेक्शन देना है तो सिंपली बी बी कैप से इनटू कर देते, तो यहाँ तक तो आप निकाल ही चुके हैं, तो ये क्या होता है, 5√14 इनटू सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बाय √14, तो इसको रूट हटा देते तो आंसर क्या होता, अगर ये चाहिए होता तो 5/14 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट या क्रॉस कभी भी एग्जिस्ट करता है तो दो वेक्टर के बीच में, यहाँ डॉट या क्रॉस का जगह नहीं है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो मीनिंगफुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर ए भी दिया हुआ है, ठीक है, तो B1 एंड B2 आर कंपोनेंट वेक्टर ऑफ B पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू A। तो मान लीजिए कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन लिए, कंपोनेंट वेक्टर लिए यहाँ 90 डिग्री, तो ये क्या है B1 और ये क्या है B2, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि B क्या होगा, B1 प्लस B2 ऐसे, और B1 क्या होता है, B1 होता है B1 इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B अलोंग A, तो B का प्रोजेक्शन लेना है डॉट A कैप और इसको A का डायरेक्शन देना है, तो ये होगा, तो B दिया हुआ है, B1 आप निकाल सकते हैं, तो B2 क्या हो जाएगा, B माइनस B1, वही फाइंड करना है मेरे ख्याल से, फाइंड B2, ठीक है।
आप बोलेगा बी वन भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो अगर बी वन भी दिया हुआ है बी टू भी दिया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे ये अगर नहीं भी दिया होता तो भी आप फाइंड कर लेते, मान लीजिए कि इसके बिना भी ये बन सकता है, इसके बिना भी ये बन सकता है, तो ये डाटा दे दिया तब तो बहुत आसान हो गया। अगर ये डाटा नहीं भी होता, मान लीजिए इसको हटा ही देते काहे के लिए, जब उसके बिना भी बन सकता है तो वो क्यों आपकी मदद करेगा, इतना आसान सवाल को क्यों बनाएगा। बोलिए बी टू फाइंड करना है, बी वन आप निकाल सकते हैं, तो बी वन आप समझ रहे हैं अभी जो बात हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं। बी है 3j+4k डॉट, ए है i कैप+j कैप √2, ठीक है, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन ए कैप, तो i कैप+j कैप √2, तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पे जे है तो जे वाला जे के पास जाएगा, तो ये आएगा 3, के नहीं है, k.i 0, k.j 0, आई यहाँ नहीं है, यहाँ जे है, √2, √2 × √2 तो 2 हो गया, i+j, और b2 निकालना है आपको, तो b2 क्या हो जाएगा, b-b1, तो b दिया हुआ है, b अवेलेबल है आपके पास 3j+4, अब b1 आ गया है 3/2 i कैप+j कैप, तो 3 − 3/2 3/2 होगा। अच्छा यहाँ j है i भी है, तो यहाँ पे लिखिए −3/2 i कैप − 3 − 3/2 + 3/2 j कैप + 4 k कैप, आंसर। तो ट्रायंगल लगा दिए इसको फाइंड करने के लिए, तो ये भी ये वाला पार्ट को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। अगर ऐसा पूछेगा आप डायरेक्ट मॉड बी साइन थीटा ये सब कुछ करेंगे तो वेक्टर तो नहीं मिलेगा ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए, तो ये निकल गया, तो इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ये जेई मेन में आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट में है आपके पास कि mod of a+b, मॉड ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, mod of a+b इज ग्रेटर देन mod of a-b, तो मॉड मतलब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग अगर कर दिए तो हम इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर ग्रेटर देन a-b का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं a+b. इसको क्या लिख सकते हैं a-b. तो आपको बताए थे प्रॉपर्टी में ये क्या हो सकता है, a²b² + 2 ऑफ a·b, ये हो सकता है a²+b² − 2 ऑफ a·b, ये कैंसिल हो गया, तो 4 times a·b > 0, तो a·b > 0 होता है, एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट, तो एंगल एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं कि वो उसके बीच में एक्यूट एंगल होगा, अगर ये लेस देन 0 होता तो ऑब्ट्यूज एंगल होता, और a·b अगर = 0 होता तो परपेंडिकुलर का बात करते, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है ऐसा मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर,
इज अ यूनिट वेक्टर. प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज रूट थ्री. तो बोला है कि दो यूनिट वेक्टर का जोड़ एक यूनिट वेक्टर है. ठीक है, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. तो मान लीजिए ये एक यूनिट वेक्टर है और इसको जोड़े तो एक यूनिट वेक्टर आया. तो ऐसे जोड़िएगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा. ये वन यूनिट का है, दूसरा भी वन यूनिट का है, तो ये दोनों का जोड़ भी एक यूनिट वेक्टर है. तो हम ऐसे अगर जाएंगे तो इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा, एक यूनिट नहीं रहेगा, तो इसलिए हम ऐसे आ रहे हैं. तो ये क्या है, ये भी वन यूनिट का है. ये ए कैप है, ये बी कैप है. तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक, ये क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है. ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू वन. ए कैप ये यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. तो ये ट्रायंगल क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ. ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये एंगल 60 हो रहा है, हर एंगल 60 60 60 हो रहा है. तो आपको निकालना है डिफरेंस. ठीक है, तो मॉड ऑफ द डिफरेंस इज रूट थ्री. तो अगर मान लीजिए डिफरेंस निकालना है तो हम इसको थोड़ा सा उल्टा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है. हम इसको प्रोड्यूस किए उल्टा, तो ये क्या हो गया. डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम लोग लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे और उसका प्रॉपर्टी भी अभी डिस्कस करेंगे पहले, सवाल करने से पहले. ठीक है, तो अभी का फोकस है कि भाई डॉट प्रोडक्ट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन में, और सवाल में एप्लीकेशन भी देख लेंगे अभी के अभी. ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है. तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन लिए थे या कंपोनेंट लिए थे तो इतने का लेंथ क्या होता है, ये 90 डिग्री. तो इसका लेंथ होता है मॉड बी कॉस थीटा यहां से यहां तक. तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग ए. या अगर यहां से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वेक्टर ये था, अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर डाले तो ये क्या होता है, मॉड ए कॉस थीटा यहां से यहां. ठीक है, तो इसको क्या देख सकते हैं, अगर मॉड बी को बाहर किए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी. ठीक है, तो एक बात और है यहां पे कि अगर थीटा इज ऑब्टूज,
अगर थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो ए डॉट बी क्या होता है, लेस देन जीरो, क्योंकि अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, थीटा यूजुअली मेजर होता है जीरो से पाई के बीच में, और अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई टू से पाई के बीच में हो गया तो कॉस ऑफ दैट एंगल इज नेगेटिव। ये तो मॉड ए मॉड बी है, तो थोड़ा सा ये प्रोजेक्शन का भी अगर बात करेंगे, अगर इसका लेंथ का बात कर रहे हैं तो अगर कभी ऑब्ट्यूज हो गया तो उसको कैसे डील करिएगा, एक मॉड लगा दीजिएगा, ठीक है। अभी तो ये ठीक है, ये वाला पार्ट अगर यहाँ एक मॉड लगा दे तो अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज भी होगा तो बैलेंस हो जाएगा। अभी तो आप इसको ऐसे ही देखिए, अगर थीटा इज एक्यूट तो ए डॉट बी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ए डॉट बी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो है अगर, तो क्या बोलेंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और इसी में अगर आप बोलिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे ये अगर पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा का ए बी और सी हो गया, तो अगर इसी में डी बोले, बोले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते, कॉस थीटा को लिख सकते ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। यहां से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगा तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट होगा, ठीक है। अब इतना बात तो हम लोग कर लिए थे, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में और जोड़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, तो पहला है ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ए डॉट बी ले या बी डॉट ए ले, ठीक है, ये भी क्या होगा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है, तो दोनों क्या होता है बराबर। दूसरा है कि ए डॉट बी प्लस सी, लेफ्ट से डॉट आ रहा है, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस अगर राइट से आएगा तब जैसे बी प्लस सी डॉट ए, तो ये क्या होगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, इफ एम एंड एन आर स्केलर, सम स्केलर है, और यहाँ लिखा हुआ है एम ए डॉट एन बी, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा हम स्केलर को बाहर निकाल सकते और ए डॉट बी ले सकते। एम ए डॉट एन बी लिखा हुआ है तो आप स्केलर को बाहर निकाल सकते, जैसे अगर यहाँ माइनस ए लिखा हुआ है डॉट वेक्टर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी। अगर दो दो स्केलर क्वांटिटी हो, दोनों को बाहर
निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है, अगर इसी में सोचिए ए डॉट ए लिखते तो ए डॉट ए क्या कैसे लिख सकते थे, ए डॉट ए क्या होता है, अगर यहीं पे बोले ए डॉट ए तो ये क्या होगा, मॉड ए कॉस जीरो, तो ये क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, दिस इज सेम एज ए स्क्वायर। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, या इस पे आने से पहले आप बताइए थोड़ा सा, इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आई डॉट आई क्या होगा, मॉड आई कैप वन कॉस जीरो वन, तो ये आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा, वन होगा। अगर बोले आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई, तो कॉस 90 क्या होता है, आई डॉट क्या है, जे है, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होगा, जीरो, ठीक है। पांच नंबर में चलिए, पांच नंबर है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स, एंड इफ ए डॉट बी बराबर जीरो, देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। छह नंबर में आइए, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब भी यही समझना है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अगर आपसे हम बोले ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए, तो इसको क्या लिख दीजिए, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ वेक्टर लिख सकते हैं आप, माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, तो आप जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, तो इसको अरेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। अगर आठ नंबर में बोले कि ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी, तो ए डॉट ए ए स्क्वायर माइनस बी डॉट ए प्लस
ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी, काट दिए तो ये क्या हो गया, बी डॉट ए डॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 8 नंबर हो गया। और एक दो लिख लेते हैं, आठ नंबर है कि इफ ए प्लस बी का मॉड बराबर ए माइनस बी है तो क्या बोल सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग करें स्क्वायर बोथ साइड तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, ए माइनस बी मॉड का स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और ये क्या हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये क्या आ गया फोर टाइम्स ए डॉट बी बराबर जीरो। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ ए डॉट बी बराबर जीरो, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कभी अगर आपसे लिखे कभी आपसे ऐसा लिखा मिले कि इफ ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप बताइए ये क्या होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है तो ए डॉट ए ए स्क्वायर बी डॉट बी बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया फिर से आ रहा है ए डॉट बी बराबर जीरो। ठीक है तो इसमें अगर ए एंड बी नॉन जीरो नहीं दिया हुआ है तब तीन बात हो सकता है, या तो ये जीरो या बी जीरो या ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है तब ये कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है तो ये सब प्रॉपर्टी है। चलिए अब सवाल में देख ले, छह सवाल वहां लिख के रखे हैं, प्रॉपर्टीज आपको बता दिए। अब या नौ हो गया एक और जोड़ देते हैं दस, मान लीजिए कि अगर कभी ए डॉट बी, ठीक है ए और बी अगर यूनिट वेक्टर हो और ए डॉट बी क्या हो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी क्या होगा कॉस थीटा, अगर वो वन आने लगे तो वो अगर वन आने लगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर पैरेलल, ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो वो भी बात थीटा के हिसाब से आप कर लेंगे, जैसे थीटा 90 होता है तो कॉस 90 जीरो और कॉस जीरो वन, या एंटी पैरेलल होगा तो कॉस पाई माइनस वन भी हो सकता है। चलिए अब सवाल पे ही एप्लीकेशन देखेंगे जो भी देखना है। पहला सवाल हमारे पास है कि इसका वैल्यू निकालना है, ए कोई वैक्टर है ए डॉट आई कैप सिंपल मल्टीप्लीकेशन आई कैप ए डॉट जे कैप सिंपल मल्टीप्लीकेशन जे कैप ए डॉट के कैप सिंपल मल्टीप्लीकेशन के कैप बराबर क्या होगा, तो मान लीजिए अगर हम वेक्टर ए को मान लेते हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप,
तो आप बताइए ए डॉट आई कैप क्या होगा? यह ऐसा दिखाई देगा, ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप डॉट आई कैप, डॉट आई कैप। तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट आई कॉस 90 जीरो, के डॉट आई जीरो। तो ये क्या हो गया ए वन। सिमिलरली ए डॉट आई कैप ए वन हो गया, बाकी सब जीरो हो गया। सिमिलरली अगर आप बोलिएगा ए डॉट जे कैप तो क्या आएगा, ये बी वन आ जाएगा। देखिए लिख दे रहे ए वन, ये क्या है ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप डॉट जे कैप। तो जे डॉट जे वन होगा, जे डॉट आई डॉट जे जीरो, के डॉट जे जीरो। तो ये क्या हो गया बी वन, ठीक है। और ए डॉट के कैप क्या होगा सी वन। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं ए वन डॉट आई कैप सिंपल मल्टीप्लीकेशन आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप सिंपल मल्टीप्लीकेशन जे कैप प्लस ए डॉट के कैप सिंपल मल्टीप्लीकेशन के कैप, तो ए डॉट आई क्या होगा ए वन आई कैप, ये क्या है बी वन जे कैप सी वन के कैप। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया वेक्टर ए, दिस इज इक्वल्स टू ए। तो ऑप्शन में दे देगा ए टू ए थ्री ए फोर ए, तो ये क्या है ए के बराबर ही है, काहे कि ये कंपोनेंट वेक्टर है अलोंग आई, आई कंपोनेंट है, वो जे कंपोनेंट है, और तीसरा अगर देख रहे हैं तो के कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। सवाल क्वेश्चन नंबर टू पे चलिए। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, मॉड ए दिया हुआ है थ्री और मॉड बी दिया हुआ है फोर, देन फाइंड लैम्डा इफ ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस लैम्डा बी, ऐसा बोला है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा, ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए माइनस लैम्डा बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए डॉट ए क्या हुआ मॉड ए स्क्वायर, लैम्डा बी डॉट ए माइनस लैम्डा ए डॉट बी प्लस लैम्डा स्क्वायर बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये वाला में क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसको उधर भेज दिए, लैम्डा स्क्वायर बराबर आ रहा है मॉड ए स्क्वायर बाय मॉड बी स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मतलब 9, मॉड बी स्क्वायर मतलब 16, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/4 आंसर, दोनों वैल्यू हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स 2i प्लस j प्लस के कॉमा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है।
तो मान लीजिए एक वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो सकता है दोनों के, एनी वेक्टर हम लोग प्रूव किए थे लास्ट क्लास में, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी। तो यहाँ ए को लिख रहे हैं लैम्डा टाइम्स पहला वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू दो अननोन आया, तो इसको अगर ठीक से अरेंज कर रहे हैं तो ए बराबर टू लैम्डा प्लस म्यू आई कैप लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस लैम्डा प्लस म्यू के कैप, ऐसा दिख रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर है, यानी मॉड ऑफ ए बराबर वन, तो रूट अंडर क्या दिख रहा है इसका स्क्वायर, तो फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा म्यू, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस टू लैम्डा म्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस टू लैम्डा म्यू इज इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू वन है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, हो जाने दीजिए, फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो सिक्स लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर थ्री म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर लैम्डा म्यू स्क्वायर कर दिए तो ये वन है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है। और दूसरा लाइन यहाँ एक और कंडीशन दिया है, ऑर्थोगोनल टू दिस, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, तो ए डॉट फाइव बाई प्लस टू जे प्लस सिक्स के बराबर जीरो, तो ये क्या है टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू आई प्लस लैम्डा माइनस म्यू इंटू जे प्लस लैम्डा प्लस म्यू इंटू के डॉट फाइव आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या आ रहा है, फाइव इंटू टू टेन लैम्डा प्लस फाइव म्यू प्लस टू इंटू दिस, तो टू लैम्डा माइनस टू म्यू प्लस सिक्स इंटू दिस सिक्स लैम्डा प्लस सिक्स म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों ऐसा, ये इसलिए क्योंकि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के वन होता है। आई को जे के पास ले जाइएगा तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दस दो बारह, बारह और छः अठारह लैम्डा, पाँच माइनस दो तीन और छः नौ, नाइन म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। अब दोनों को मिला के सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा और म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी को मिटा दे रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना बस, और लैम्डा और म्यू डाल देना है तो ये आ जाएगा। देखिएगा म्यू की जगह पे माइनस टू लैम्डा डालना है तो ये सिक्स लैम्डा स्क्वायर हो गया प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट लैम्डा स्क्वायर बराबर वन। तो 12 और 6 18, 18 माइनस 8 10, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 बाई 10, तो लैम्डा बराबर आ रहा है प्लस माइनस 1 रूट अंडर 10।
तो लैम्डा अगर इतना तो म्यू कितना, म्यू बराबर, अगर लैम्डा बराबर, यहाँ देखिए इफ लैम्डा बराबर 1/√10 तो म्यू बराबर, ऐसे चलेंगे ठीक है। तो लैम्डा अगर 1/√10 है तो म्यू बराबर -2 लैम्डा ठीक है। तो ये क्या होगा उस समय, ये हो जाएगा -2/√10, ये हो जाएगा -2/√10। और इफ लैम्डा बराबर -1/√10 है तो म्यू बराबर हो जाएगा 2/√10। अब इस वैल्यू को आप यहाँ डाल सकते और आंसर निकाल सकते हैं, लैम्डा और म्यू यहाँ डाल दीजिए, डाल पाएंगे या नहीं, जब ये लैम्डा तो ये म्यू, जब ये वाला लैम्डा यूज़ कीजिएगा तो ये वाला म्यू यूज, ये दोनों वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, वेक्टर ए आ जाएगा। जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर डायरेक्ट भी सॉल्व होगा। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा देंगे तो इस पे बात होगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे उसके बाद एसटीपी पढ़ाएंगे, तो ये डायरेक्ट एक लाइन में भी आएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, तो ठीक है वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। तो ए दिया हुआ है 2i + 2j - k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है 6i - 3j + k कैप ठीक है। तो मॉड ए अगर निकाले तो आएगा √2 का स्क्वायर 4, 4 8 + 1 9 मतलब 3, मॉड बी आएगा 36 + 9 = 40, 36 और 9 = 45 + 1 = 46 आ रहा है ना। ठीक है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 2i + 2j - k डॉट 6i - 3j + k डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये क्या हुआ, 2 × 6 = 12 - 6 - 1 बाय 3√46, 3 × √46 ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 / √46 ठीक है। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स 5 / √46। स्टैंडर्ड नहीं है कोई बात नहीं, कॉस इनवर्स करके छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 जैसा एक सवाल पहले हम लोग बनाए हैं लेकिन वो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है उस टाइप का सवाल, इसलिए एक सवाल और ले लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए इज इक्वल्स टू 2 λ² + 4 λ + k, बी इज इक्वल्स टू 7i
माइनस टू जे प्लस लैम्डा के, मेक ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, वो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। तो यहां से क्या हो गया, ए डॉट बी क्या होगा, लेस देन जीरो। तो ये हो गया टू लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस फोर लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट बी सेवन आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप लेस देन जीरो। तो ये क्या होगा, 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 1 लेस देन 0। देख लीजिए, माइनस 8 लैम्डा। अच्छा, ये वाला जो है वो लैम्डा के है, वो क्या है, लैम्डा के। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा। देख लीजिए, लास्ट में लैम्डा के लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ध्यान से लिखना है। तो यहाँ से आ गया 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन 0। साइन इसकी आप पढ़ें, 7 लैम्डा कॉमन ले लीजिए, 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। तो क्या आ रहा है, 0 और हाफ प्लस माइनस प्लस, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 0 और हाफ के बीच में, ये एक नंबर हो गया। यहीं पे लिखा है वेयर एज द एंगल बिटवीन बी एंड के इज एक्यूट एंड लेस देन पाई बाई 6। तो हम एज्यूम किए लेट द एंगल बिटवीन बी एंड के बी थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी डॉट के बाई मॉड बी मॉड के कैप। तो ये हो रहा है, ठीक है, बी डॉट के, बी डॉट के मतलब बी यहाँ है, बी डॉट के मतलब लैम्डा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर और मॉड ऑफ के, मॉड ऑफ के मतलब के कैप मतलब यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस, तो उसका मॉड 1। तो कॉस थीटा इतना आ रहा है। अब इधर आ जाइए, आपसे कहा थीटा इज लेस देन पाई बाय 6, तो कॉस अगर आपको पता हो तो कॉस डिक्रीजिंग है। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ होता है ऐसा, एंगल को जीरो और पाई के बीच में नापते हैं। तो यहाँ से वो बोल रहा है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो थीटा इज लेस देन पाई बाई 6। तो अगर इसमें कॉस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन कॉस, कॉस कॉस लगाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हो गया, थीटा थीटा किसके बीच में है, थीटा जीरो और पाई के बीच में है और पाई बाई 6 से छोटा है, तो यहाँ जब कॉस लगाइएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है उस समय, उस इंटरवल में। तो कॉस थीटा क्या आ चुका है, लैम्डा बाई रूट अंडर 52 प्लस लैम्डा स्क्वायर लेस देन कॉस 30, सॉरी लेस देन नहीं, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो हम लोग इसको स्क्वायरिंग कब कर पाएंगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग तभी कर पाएंगे जब एक बात श्योर हो, जैसे अगर लैम्डा
लेस देन जीरो अगर बोलिएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो लैम्डा लेस देन जीरो में नो सॉल्यूशन। दूसरा केस लेते हैं, केस टू। केस टू, अब देखिए लैम्डा ही बताना है तो क्वेश्चन ये मिटा दे रहे हैं, इससे काम हो चुका है। अगर लैम्डा लेस देन जीरो लीजिएगा केस वन, ये केस वन लिए, स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, जब हम एश्योर कर ले कि दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है। अगर लैम्डा लेस देन जीरो है या लेस देन इक्वल्स टू जीरो भी है तो ये जीरो या नेगेटिव, और उधर क्या है रूट थ्री बाई टू, तो फेल हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन। दूसरा केस ले रहे हैं, लैम्डा लेस देन जीरो, तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन आएगा भी तो ये क्या बोला है जीरो और हाफ के बीच में, तो हमको यही सॉल्व करने की जरूरत था। अगर लैम्डा लेस देन जीरो में कुछ मिलेगा भी तो वो काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके साथ लैम्डा लेस, अच्छा दूसरा केस ले रहे हैं लैम्डा, एक मिनट रुकिए, लैम्डा लेस देन इक्वल टू जीरो में नो सॉल्यूशन, दूसरा केस ले रहे हैं लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तो अगर वहाँ से कुछ मिलेगा तो उसका इंटरसेक्शन इसके साथ ले लेंगे, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग कीजिए तो क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, तो यहाँ हो जाएगा फोर लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा थ्री इंटू 52 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 3 2 6, 5 3 15, तो लैम्डा माइनस रूट 156 इंटू लैम्डा प्लस रूट 156 ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या बोलेगा, यहाँ आएगा माइनस रूट 156 और यहाँ आएगा रूट अंडर 156 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ रहा है लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 156 यूनियन रूट 156 से इन्फिनिटी, तो ये दो है, और ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो वन इंटरसेक्शन टू फाइव है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू फाइव, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं है उसके पास, क्योंकि ये जीरो और हाफ के बीच में रहने बोला। अब पॉजिटिव में अगर जा रहे हैं तो रूट 156 हाफ से ज़्यादा होता है, तो वो दोनों का इंटरसेक्शन वन और उसका इंटरसेक्शन क्या हो गया फाइव, ठीक है, यहाँ से भी क्या था नो सॉल्यूशन, तो इसका इसका इंटरसेक्शन भी लेंगे तो फाइव, उसका उसका इंटरसेक्शन भी लिए तो फाइव, तो फाइनली लैम्डा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसके साथ ऑब्ट्यूज बनाए और इसके साथ एक्यूट बनाए, ऐसा लैम्डा पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा क्या है, लैम्डा के पास नो सॉल्यूशन, या लैम्डा बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए बी सी बी वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 3, 4 and 5 रेस्पेक्टिवली, तो मॉड ऑफ ए 3 है, मॉड ऑफ बी 4 है और मॉड ऑफ सी 5 है, और ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो 3, 4, 5 सुनाई देके, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का याद आता होगा आपको, 3, 4 परपेंडिकुलर बेस, तो सम ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 आ जाता है, तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5, तो ये ए है ऐसे, बी है ऐसे और सी है ऐसे, ठीक है,
तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो भी हो गया, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 3 मैग्नीट्यूड, ये 4 और ये 5। ये जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, 3 4 5, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ठीक है। तो रिजल्टेंट जीरो है, मतलब आप घूम के वहीं आ गए। अच्छा, तो आपको निकालना है ए डॉट बी। तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अगर हम ए यहां है, ए का डायरेक्शन ये है, से बी पे जा रहे, तो ए डॉट बी क्या दिख रहा है हमको, ए डॉट बी जीरो, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर हम बी डॉट सी निकालना चाहते तो बी डॉट सी क्या होगा, तो देखिए बी का डायरेक्शन ऐसा है, थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर रहे, ये डायरेक्शन है, तो ये एंगल काउंट होगा बी और सी के बीच में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लिए, तो अगर ये वाला अगर थीटा है या ये वाला अल्फा है, तो ये क्या है पाई माइनस अल्फा। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करे तो कॉस अल्फा कितना आ रहा है, कॉस का ही जरूरत पड़ेगा, इसलिए कॉस ही निकाल रहे हैं। तो बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये क्या है 4/5। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5, और एंगल हमको क्या लेना है, तो यहाँ क्या आया मॉड बी मॉड सी कॉस पाई माइनस अल्फा। बी और सी के बीच में एंगल है पाई माइनस अल्फा। देखिए बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले सी तक, तो वही एंगल मिल रहा है। तो डायरेक्शन को थोड़ा देखना है कि कौन सा एंगल लेना है, ये नहीं कि ये छोटा वाला ही एंगल हो गया, ऐसे नहीं सोचना है ना। देखिए या तो यहां से यहां जाइए, एरो मिलना चाहिए, एरो का डायरेक्शन एरो एरो पे मर्ज करना चाहिए, ठीक है, सुपर इम्पोज करना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है मॉड बी है 4 मॉड सी है 5, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है 4/5, तो माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4/5 कट गया। तो ये क्या आ गया माइनस 16। तो ए डॉट बी 0, बी डॉट सी माइनस 16। आगे चलिए सी डॉट ए, सी डॉट ए, तो एरो को सुपर इम्पोज करा देना है। तो आप ऐसे गए हैं, अब इसको पूरा अगर 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 हम इसको प्रोड्यूस कर दे ये ऐसे, ठीक है, जीरो और पाई के बीच में एंगल को नाप लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे भी देख रहे हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, तो ये एंगल कितना दिखाई देगा, ये अगर बीटा, ये अगर बीटा, तो ये क्या हुआ पाई माइनस बीटा, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस एरो को ऐसे टर्न कर दीजिएगा, तो या इसको अगर यहाँ ले आइएगा, ऐसे सोचिए अगर हम इसी को टर्न करके यहाँ ले आए, तो ये डायरेक्शन सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो वही वाला एंगल लेना है जो क्या करे एरो के डायरेक्शन को सुपर इम्पोज करा दे, ठीक है। तो ये हो गया मॉड सी मॉड ए कॉस पाई माइनस बीटा। तो आपसे अगर हम पूछे कॉस बीटा कितना होगा, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बेस, अब 3 हो गया, तो 3/5, ये क्या हो गया 3/5। तो मॉड सी है कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा, तो माइनस आ गया माइनस कॉस बीटा। बी है 4, बी या नहीं है, यहाँ पे कौन है सी और ए, तो सी है 5 और ए है 3, और ये वैल्यू कितना है माइनस कॉस, माइनस बाहर निकाल दिए, ये है 3/5, ये क्या आ गया -9। तो आप बोलिएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या होगा, पहला आ गया 0, ए डॉट बी क्या हो गया 0, बी डॉट सी हो गया -16 और ये -9,
ये हो गया -16 -9, आंसर क्या हो गया -25। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटाएंगे। माइनस बी कैप, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा तब? ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप, ये कहलाया, ठीक है। आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये और ये बराबर है, ठीक है। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना है? 120 है। और आप जानते हैं कि मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस बी कैप, ये भी 1 यूनिट ही होगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये कितना हो गया? 120, बाकी दोनों का जोड़ 60, तो ये क्या हो जाएगा? 30-30 हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं, बताइए। आइसोसेलेस्ट एंगल में अगर ये वाला एंगल पता है तो ये दोनों एंगल क्या है? बराबर होता है। तो कितना बचा है? 180 में से कितना कम है? 60, तो 30-30 होगा। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? 90, 60 और 30 क्या है? 90। हमको ये फाइंड करना है, ये कितना इसका मॉड है, ये फाइंड करना है। ये कितना है? ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, और ये जब प्रोड्यूस किए तो ये कितना हो गया? 1 यूनिट। तो हम अब बोल सकते हैं कि इन, मान लीजिए इसका नाम दे दिए पी क्यू आर और इसका नाम एस। तो सिंस ट्रायंगल आर पी क्यू इज अ राइट एंगल एट पी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, नहीं, पी क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये क्या हो गया? मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ये कितना है? क्यू आर, क्यू आर, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, तो 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर 4। पी आर कितना है? एक यूनिट दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? 3। तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड, प्लस माइनस तो नहीं होगा, मॉड पॉजिटिव होता है, √3 आंसर। तो इस सवाल को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ सोचिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, आप सोचिए, आप दिमाग दौड़ाइए। तो ऐसे हम लोग सवाल बनाए, किसका यूज़ किए? डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का फोकस क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहाँ तक सवाल आप बना लीजिए। थैंक यू।